पंचकूट से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ कादिर बख्श संचरानी। मेयर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पंचकूट शकील अहमद कमरानी की ज़ेर सदारत पंचकूट के सरकारी महकमों के सरबराहों का इजलास, सरकारी महकमों की कारकर्दगी और मसाइल का जायजा लिया गया। इस मौके पर डिप्टी मेयर अब्दुल बाकी बलोच भी मौजूद थे। इजलास के दौरान महकमा हेल्थ, लाइव स्टॉक, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, जंगलात, MMD, ज़रात, लोकल गवर्नमेंट के अफसरान और कॉलेज के प्रिंसिपल्स ने मेयर को अपने महकमों और इदारों की कारकर्दगी और मसाइल से आगाह किया और कहा कि महदूद दस्तियाब वसाइल के हमरा आवाम को सहूलत देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और मज़ीद कोशिश है कि आवाम को रोज़मर्रा मसाइल के हल में शिकायत ना रहे और इनके जायज़ मसाइल पाकर किसी परेशानी का हल हो। इस मौके पर मेयर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पंचकूट शकील अहमद कमरानी ने कहा कि सरकारी इदारे आवाम को रिलीफ देने की पाबंद हैं, जब महकमा फाल होकर काम करेंगे तो इसका बराए रास्त फ़ायदा आवाम को पहुँचेगा और आवाम के जायज़ मसाइल हल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि हम सबको आवाम के इज्तिमाई मफाद का सोचना है और अपनी तमाम तर तवानाइयों को आवाम के फलाह बहबूद के कामों के लिए सर्फ करना है ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। उन्होंने कहा कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अपने वसाइल से आवाम के फलाह बहबूद के कामों में हर मुमकिन मदद करेगी और जो मसाइल सूबाई सतह के होंगे वो मुतालिका महकमों के जिम्मेदारों तक पहुँचाए जाएंगे।